वासुदेवाय। आप लोग क्रिया योग सीखने आए हैं तो क्यों सीखना है ये चीज, ये क्या है और इसको क्यों सीखना है? स्वयं को जानने के लिए। स्वयं को जानने के लिए थोड़ी इच्छा प्रबल हुई है, पहले तो नहीं थी लेकिन अब धीरे धीरे हुई है तो फिर इस और भी। मैं गुरुजी ऑलरेडी साधना वगैरह करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं साधना में और ज्यादा आगे बढ़ूँ। साधना तो सब कुछ होता है, कोई संगीत का साधना कर रहा है, कोई ओलंपिक्स में जाने के लिए साधना कर रहा है, तो साधना किस लिए कर रहे हैं? अपने आप को जानने के लिए। अपने आप को जानने के लिए। तो जब अपने को जानते नहीं है क्या? नहीं जानते हैं लेकिन इस आपाधापी में उसमें सब खो गए हैं जो असली। आपको पूछूंगा आप कौन है, आप बताएंगे, आपका नाम बताएंगे जी। फिर पूछूंगा आपका घर कहाँ है, माता पिता जी का नाम क्या है, बताएंगे कौन से ऑफिस में काम करते हैं या कौन से बिजनेस में काम करते हैं, ये बताएंगे। तो जानते हैं तब तो बता रहे ना मैं वही हूँ। नहीं पर ये तो शरीर का ही है सब कुछ ना। अगर जब हमने जन्म हाँ। लिया उसके पहले शरीर का नाम रेणु नहीं था, जब हम मर जाएंगे तब भी रेणु नहीं रहेगा, लेकिन वो क्या अस्तित्व है जो हमें एक से दूसरे अस्तित्व है? इसका मतलब इतना समझ आ गया ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ। तो फिर तो जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? आपका मन कर रहा है या बुद्धि कर रहा है, कौन कर रहा है? जो अंदर बैठा है हमारे, जो बैठा है आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी। आप बोल रहे हैं ये शरीर तो नहीं कर रहा है, इतना समझ आ गया। फिर वो कर रहा है कौन? ये वो है जो हमारे अंदर की सजगता है, अवेयरनेस है। तो सजगता है अवेयरनेस कहाँ है? मन में बुद्धि में है ना। मन से तो बोलते हैं, बुद्धि से तो निर्णय लेते हैं। आपका जो सजगता है, जो सजगता बोल के बोल रहे हैं वो है मन बुद्धि से तो है। मन बुद्धि से है वो, तो जो बाहर की समझ है वो मन वही है मन बुद्धि से। तो बाकी ये मन और बुद्धि भी तो हमेशा परिवर्तनशील है, लेकिन क्या है जो जो हमारा एग्जिस्टेंस है और जिसके कारण हम बदलता हुआ होके भी अंदर कहीं एक जो मैं है वो बदलता नहीं है। बदलता नहीं है, ठीक है। तो फिर जो चीज जानते हैं मन बुद्धि से जानते हैं जी, बाहर की तो सारी चीजें मन बुद्धि से जानते हैं, इसको क्यों नहीं जान पाते? अध्यात्म में उतरते हैं तो अपने मन को बदलता हुआ देखते हैं या स्थिर होता हुआ देखते हैं या अपनी बुद्धि को भी परिवर्तित होता हुआ देखते हैं समय के साथ, परिस्थिति के साथ, अलग अलग लोगों के साथ जुड़ के, है ना। तो हर चीज तो परिवर्तित हो रहा है पर एक अंदर में मैं हूँ, ये बचपन में भी था, अभी भी है और शायद आगे भी रहेगा जब तक जीवन है। लेकिन क्या ये जीवन के बाद रहेगा? क्या ये जीवन के पहले तो, भी था? तो क्या ये जो मैं हूँ वही आप है? वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वो समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मतलब समझ कुछ जानते भी हैं और बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं, तो उसी जो बहुत कुछ नहीं जानते हैं उसी की जिज्ञासा है या प्रश्न है हमारा आइडेंटिटी का। हाँ। जानने का मैं कौन हूँ। हाँ। ये प्रश्न जब से मानव पैदा हुआ तब से उसके कि हमारा असली अस्तित्व क्या है। तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, इसके साथ ही सारा सृष्टि भी क्या है, जहाँ मैं हूँ, मुझे किसने पैदा किया, अब शरीर से संबंध तो टूट गया, नहीं है संबंध, लगे शरीर में नहीं है, मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा आंख है, मेरा मन है, मेरा बुद्धि है। तो जो मेरा है वो तो मैं नहीं हूँ, मेरे कपड़े हैं वो तो मैं नहीं हूँ,
ये तो बुद्धि में इतना समझ आ जाता है, लेकिन क्यों वो समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ, असली बात वही है। क्योंकि हमने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, ध्यान देने पर भी आ जाएगा क्या? नहीं, हम संसार ध्यान में दे जाना चाहिए। हम कर्म करते संसार में इतने लिप्त रहे कि हम जो चीज बाहर ढूंढ रहे हैं हमें ये नहीं पता चला कि वो हमारे अंदर ही है। काम करना बंद कर दीजिए, अभी ऑफिस जाना बंद कर दीजिए, बच्चों का ख्याल रखना बंद कर दीजिए, ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं, तब तक जानेंगे ही नहीं। जान क्यों नहीं रहे हैं? ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं इसलिए। ईश्वर को थोड़ा इस बार विश्राम करने दीजिए। सही बात है, ईश्वर को विश्राम करने दीजिए, ईश्वर को बाद में लाएंगे। तो बात है, मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूं? अभी जैसे आप सुन रहे हैं तो आपका एक परिचय बन जाता है, मैं श्रोता हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरा एक परिचय बन जाता है, मैं वक्ता हूं। घर में जाएंगे, माता पिता के साथ संबंध हो गया, बेटी हूं। बच्चों के साथ संबंध हो गया, मां हूं। दोस्त के साथ संबंध हो गया, मैं इसका दोस्त हूं। ऑफिस में चले गए, मैं इसी ऑफिस का स्टाफ हूं। ये होता है ना जी, ये जो परिचय, वो परिचय को छोड़ दीजिए, ये जो संसार का परिचय, वो बनता कैसे? जुड़ने से। कहां जुड़ते हैं? जुड़ने का क्रिया होता कहां? मन में होता है। मन में ही होता है जी, यानी ये एक मन का क्रिया है जी। अगर क्रिया बदलता है, अभी सुन रहे हैं अब श्रोता है जी। अभी आपका बेटे का फोन आ जाएगा तो बेटे का मां हो गए, क्योंकि मन में क्रिया बदल गया, मन में धारणा बदल गया। असल चीज वही है। जानने के लिए आपके पास आपके मन बुद्धि के सिवा और कुछ चीज है क्या? जो उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ साहित्य में बोलते हैं कौरम, इंस्ट्रूमेंट अपन, जो इंस्ट्रूमेंट अपन हुई, या जो कारण है, हमारे पास सिर्फ 14 कारण है काम करने के लिए जी। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि अहम और अवचेता, ये 14 है जी। जो करते हैं इसी 14 में करते हैं, या 15 है? पंद्रह है नहीं, नहीं। यानी ये 14 हमारे पास है। 5 ज्ञानेंद्रियों में 5 विषय को जानते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मैं बात बोल रहा हूँ, क्या है? शब्द ही है, आप देख रहे हैं क्या है, ये रूप है। ऐसे जो 5 विषय है, इसको जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जी। इसके जाना को मन जाना, मन तो जाना जी, मन के सिवा और कौन जानने वाला तो है नहीं। ये रास्ता है, इस रास्ते से मन के पास पहुंचा। मन तो जान लिया, लेकिन मन का निर्णय लेने का शक्ति नहीं। वस्तु का जो स्वभाव है, उसका निर्णय लेने का शक्ति किसके पास है? बुद्धि के पास है जी। बुद्धि जान लिया, फिर इसी हिसाब से मन को निर्देश दिया, मन निर्देश दे दिया कर्मेंद्रियों को। 5 कर्मेंद्रिय है, बाघ पानी पाद उपस्थ पायु, इससे आपका संसार का सारा कर्म हो गया। ये है जिस प्रोसेस, बुद्धि के साथ पास एक बैठा है, कुछ करता नहीं लेकिन मालिक है, वो है हम। क्योंकि जो भी जानने का क्रिया हो, या संसार में आप जो कर्म करते हैं, इन सब के पीछे रहता है मैं, मेरा भाव। ये मैं मेरा भाव कहां पैदा हुआ? ये बुद्धि के साथ तादात्म्य के कारण पैदा हुआ। आप चेतन तत्व को अपना स्वरूप नहीं जान के बुद्धि को अपना स्वरूप जान बैठे, बुद्धि के अपना स्वरूप जान बैठे तो क्या हुआ? फिर वो चला गया मन को, अब मन को अपना स्वरूप जान बैठे, मन को अपना स्वरूप जान बैठे तो क्या हुआ? ये आ गया शरीर को। अब इसी शरीर से आत्मबुद्धि होता है, तो ये नहीं हूं, तो सारा परिचय उसी से हो जाता है। तो आप जो सोचते हैं, जो क्रिया करते हैं, इसी हिसाब से मन में जो चल रहा है,
यही आपको परिचय को बदलता रहता है। मन में क्रिया बदल गया, परिचय बदल गया, ये जो अहम है वही सब गड़बड़ करता है, कुछ करता नहीं। सिर्फ उसने क्या किया, एक काम बुद्धि के साथ तादात्म्य प्रयोग किया कि मैं वही हूं। और ये जाल जो सारा क्रिया हो गया आपका, इन सब का संस्कार रह गया, छाप रह जाता है। एक चीज हो गया, एक फाइल बन गया, कंप्यूटर में स्टोर हो गया, एक पीडीएफ फाइल बन गया, फिर स्टोर हो गया, वो डिलीट नहीं मार रहे फाइल। इसी से क्या होता, फिर वो ऊपर उठता है स्मृति के रूप में, मेमोरी के रूप में। वो अच्छा लगा था, फिर वही करेंगे, वो बुरा लगा था, इसके प्रति घृणा भाव लाएंगे। इसने मेरा प्रशंसा किया था, बहुत बढ़िया आदमी है, इसने मेरा निंदा किया था, उसको सात जन्म तक छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं। सारे जो संस्कार है वो वही अवचेतन में रह गया। ये जो चीज है, यानी बाहर का जो दस है, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, इनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये स्वाधीन नहीं है जी। सारा काम बदमाशी होता है कहां, मन में, मन में और बुद्धि में। बुद्धि आपका जैसा होगा, बुद्धि कैसा होता है, जैसा सीखते हैं, जैसा संस्कार बढ़ गया जी, जो अवचेतन में जो संस्कार रह गया वही ऐसे ही बुद्धि की फिर बनाता है, और ये सब में अलग अलग क्यों होता है, आपका वही अलग, उनका अलग, उनका अलग क्यों होने गया? ये गुणों की तारतम्य से, प्रकृति के गुण का तारतम्य। तीनों प्रकृति सत्व रज उत्तम समरूप में तो रहता नहीं, किसी का भी समान नहीं, और आपके भी आपके जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग भाव में रहता है। तो जैसा वृत्ति बनता है, गुण बदलता है, सत्व गुण बढ़ गया, आप अच्छे बन गए, लोगों का अच्छा करूंगा, इसका भलाई करूंगा, उसका भलाई करूंगा, ज्ञान अर्जन करूंगा, रजोतम गुण बढ़ गया, क्रोध बढ़ता है, काम बढ़ता है, दूसरों के ऊपर राज करूंगा, ये सब चीजें होता है। यानी सब जो है, ये जो चारों अंदर जो चारों है, मन, बुद्धि, अहम और अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, ये चारों से होता है। इन चारों का जो क्रिया है वो है वृत्ति। मन का क्रिया मनोवृत्ति, बुद्धि का क्रिया बुद्धिवृत्ति, अहम का क्रिया अहम वृत्ति, अवचेतन का क्रिया अवचेतन वृत्ति, ये हो गया चार वृत्तियां। हम मन की वृत्ति को तो समझ लेते हैं, बाकी के प्रति हम सजग बिल्कुल नहीं है। बुद्धि का काम है निश्चय करना, अहम का ज्यादा कुछ काम नहीं, एक ही वृत्ति है अहम वृत्ति, मैं मेरा भाव, लेकिन वो राजा है। और अवचेतन का काम है कि सारो सब चीज को संभाल के रखा, फिर उसी हिसाब से संभाल के रखा है तो उसी से जो उठेगा उसी भाव से भाव चलता रहता है, और क्या, वो बदलता नहीं। तो ये जब तक रहेगा तब तक हमारा कोई ना कोई वस्तु के साथ संपर्क रहेगा, कोई ना कोई वस्तु के साथ संपर्क रहेगा, तो एक मन का क्रिया है, तो हम वही हो जाएंगे, तो वही हो जाएंगे, तो अपने को जानेंगे कैसे, अपने को जान नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने को जानना है तो इन सबको बंद कर देना पड़ेगा। यानी ये जो गति है चेतना का, ये बाह्य तरफ हो गया है, इसीलिए बाहर को जानते हैं। जो एक भी रहेगा तो हम उसी में रहेंगे, वही हमारा परिचय रहेगा। जब ये सब हट जाएगा तब कुछ बचा रहता है कि नहीं रहता है, वही देखना है। जब तक उसमें एक वृत्ति रहेगा, एक क्रिया रहेगा, हम वही बन के रहेंगे। इसीलिए भगवान पतंजलि ने बताया, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है, चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाना, चित्त के वृत्तियों का निरोध निरोध हो जाना। यहाँ चित्त का मतलब किसको बोल रहे हैं, चेतना नहीं, चेतना को नहीं, मन,
ये तो अंतकरण है, ये चारों अंतकरण मिलके चित्त है। अंतकरण चतुष्टय में वेदांत साहित्य में जब अंतकरण चतुष्टय बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त बोलते हैं। वहां जो चित्त है वो अवचेतन को चित्त बताया गया। इधर जो चित्त बोलते हैं यहाँ इन चारों को मन बुद्धि अहंकार और अवचेतन को चारों को चित्त बोलते हैं। चित्त शब्द से चित्त शब्द आया। चित्त का मतलब चेतना, चित्त का मतलब चेतना नहीं, ये चित्त को रिफ्लेक्ट करता है। हम जानते हैं मन विज्ञान इसमें चेतना शक्ति है, बुद्धि से निर्णय करते हैं इसमें चेतना शक्ति है, ये तब तो कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये इसका शक्ति नहीं। जैसे चंद्रमा का आलोक अपना आलोक नहीं, अपना प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन हमें चंद्र आलोक दिखता है, दिखता है कि नहीं जी। हम तो नहीं कह पाएंगे कि चंद्रमा में आलोक नहीं है, लेकिन जब समझ आ गया देखेंगे कि नहीं ये इसका नहीं है, ये सूरज का है जी। इसी तरह जो चित्त है उसी का अपना चेतना नहीं, साइकोलॉजी में है, साइकोलॉजी में माइंड इंटेलेक्ट वो कॉन्शियसनेस है जो साइकोलॉजी पढ़ेंगे जो। लेकिन हमारा जो वेदांत साहित्य है या योग साहित्य है या सांख्य साहित्य है इसमें नहीं। ये कहां से आया? इसकी जो चेतना है वो चित तत्व का चेतना है, समझे? तो इसी के कारण ये इतना बलवान बन के बैठा है। तो ये जो मन बुद्धि में जो है इसी के कारण तो हम जान रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्रिया हो रहा है। अभी क्या है, वही क्रिया हमें दिक्कत कर रहा है। जब तक इसी को हम में रह जाएंगे तब तक अपने को जान नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो चारों है मन बुद्धि अहंकार और अवचेतन, इन्हीं का क्रिया को बंद करना पड़ेगा, इनका वृत्तियों को बंद करना पड़ेगा। वृत्ति का मतलब, वृत्ति का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हैं, काम क्या है? वो भी आप क्या काम कर रहे हैं? जैसे मैं योग से जुड़ी हूँ, फूड साइंस से जुड़ी हूँ, मैं भी योग से। बस आपको पूछेगा आपका वृत्ति क्या है, आप बोले, कोई बोलेगा मैं शिक्षक हूँ, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, इसका मतलब जिससे उसका व्यापार चलता है, जिससे वो जिंदा रहते हैं, जिसका इससे व्यापार चलता है, यानी उसका क्रिया व्यवसाय, जिससे मन का व्यापार चलता है, जिससे मन बुद्धि का व्यापार चलता है, वो उनका वृत्ति है, यानी क्रिया, जो क्रिया वहां होता है, मन में जो क्रिया होता है जो मनोवृत्ति है, बुद्धि में क्रिया बुद्धि वृत्ति है, अहम का क्रिया अहम वृत्ति है, मैं मेरा भाव पैदा करना, अवचेतन का क्रिया अवचेतन वृत्ति है, एक ही है स्मृति, लेकिन एक ही स्मृति में सब आ गया, सारा वृत्ति को समझ लिया। चित्त शब्द का प्राधान्य इसीलिए है, अगर चित्त को अवचेतन के अर्थ में लिया जाए कि वो बड़ा है सबसे, जो मन बुद्धि है ये हमारा जो अंतकरण का मन बुद्धि अहंकार अगर 10% हिस्सा है तो 90% हिस्सा है अवचेतन, इसलिए ये प्रमुखता से आ जाता है, क्योंकि ये सब स्टोर करके रखता है, नहीं तो एक काम हो गया खत्म हो गया, उसको छोड़ देते, लेकिन कुछ छोड़ नहीं रहे। तो इसीलिए इन चारों का जो क्रिया है, इन क्रिया को इन वृत्तियों को क्या करना है, सीज करना, निरोध करना है, रोध नहीं, निरोध, निरोध, रोध का मतलब रुक जाना, रुक जाना, निरोध का मतलब निशेष रूप में रुक जाना, निशेष भाव, यानी एक विशेष प्रक्रिया से रुकना है। ऐसे तो हमारा जो वृत्ति है वह रुक जाता है, जाता है कि नहीं, कभी कभी रुक जाता है गभीर निद्रा में। आपके मन बुद्धि में कोई अहंकार में कोई क्रिया रहता है? नहीं, चित्त का भी क्रिया रहता नहीं, लेकिन चित्त का एक क्रिया रहता है, वो अलग बात है। वो एक क्रिया नहीं रहता तो आप जब उठते हैं तब नहीं बता पाएंगे कि मैं सोया था अच्छे, लेकिन ये जो
स्मरणात्मक क्रिया है, यानी स्मृति क्रिया है, वो रहता नहीं, सिर्फ धारणात्मक क्रिया रहता है, यानी उनका वृत्तियां बंद हो गया। सुबह उठे तो ज्ञानी बन जाते, पता चल जाता मैं कहां हूं, कौन हूं, लेकिन वो हुआ तमस में, तमो गुण में हुआ, तमो गुण में रुक जाएगा तो होगा नहीं। ये सारा क्रिया आपको जागृत में सत्व गुण में करना पड़ेगा, तब जाके निरोध होगा, नहीं तो रोग तो हो जाता है, निरोध तो हो जाता है लेकिन ज्ञान होता नहीं। तो इसीलिए क्या करना है, इन सबको रोक देना है, रोक देने के बाद जो बच्चा रहेगा वही आप, जो बच्चा रहेगा, क्या बच्चा रहेगा ये आप अभी नहीं जान सकते, इसका तो नाम दे दिया गया, लेकिन आपको जो बताएंगे आप बताएंगे एक नाम ही बताएंगे। इसीलिए पतंजलि ने ज्यादा कुछ बताया नहीं, आप शुद्ध हो, आप बुद्ध हो, आप अविनाशी हो, आप अजन्मा हो, आप नित्य हो, आप विभु हो, कुछ बताया नहीं, आप आत्मा हो, आत्मा हो कहने में को आप आत्मा हो, आप क्या समझे इसमें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं समझते, कि शब्द ही है। गांव में जाके आप किसी देहाती गांव में जहां लोग पढ़े लिखे नहीं है जाके बोलेंगे कि मैं आत्मा हूं तो लोग क्या बोलेंगे, अरे इसके ऊपर कोई प्रेत मार बैठा है, कोई बोलने को बोला सही है। वहां कोई वेदांती जाके बोले कि मैं आत्मा हूं, अरे ये बाबा कहां से आ गया, ये भूत चढ़ेगा क्या, इसके ऊपर तो भूत चढ़ बैठा है, तो उसका कोई, वो आपको जो आप एक बताएंगे वो एक शब्द है, शब्द का तो अर्थ है, लेकिन वो अर्थ हमें समझ में आता नहीं, जो समझ में आता है ये बुद्धि में ही समझ में आता है, और वो काम का चीज है, इसीलिए वो स्थिति में पहुंचना पड़ेगा जहां आपका सारे वृत्तियां रुक गया है, तब क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसी स्थिति को जब देखेंगे तब आप अपने स्वरूप में रहेंगे, जो आपका स्वरूप में कौन हूं तब जाके होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो बात है इतना और कुछ नहीं, तो क्या है, जो आपका वृत्ति है वृत्ति सारूप्य वितरक्रम, दूसरे समय में यानी आप जब योगारूढ़ में नहीं है तब आप वृत्ति में है, तो जो वृत्ति है वो ही आपका स्वरूप है, यानी ये एक आरोपित स्वरूप है, मैं सुन रहा हूं ये एक वृत्ति के कारण मेरे स्वरूप के मुखटा बता दिया गया, उस मुखा को मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये एक वृत्ति के कारण है, वक्ता हूं वृत्ति के कारण है, स्वरूप आ गया, ये तो स्वरूप है नहीं, ये स्वरूप के ऊपर एक आवरण है, एक मुखौटा है, इसी मुखौटा को हम लोग देख रहे हैं हम, और उसी में वही हमारा परिचय बन जाता है, तो परिचय फिर आएगा किसे, तो ये सबको बन पड़ना पड़ेगा, इसी को योग कहा गया, इसी को समाधि कहा गया, योग चित्त वृत्ति निरोध लक्षण, जब चित्त का वृत्ति हो गया निरोध हो गया उसी को समझ लो योग है, योग का लक्षण वही है समाधि तद्रूपा, समाधि उसका रूप है, यानी जिसको जो योग कहते हैं उसी को समाधि कहते हैं। आप लोग जो सिखाते हैं वो क्या है, योगा, योगा बोलते हैं ना इसको, ये योगा है, योग नहीं, योगा है, तो इसीलिए इसी तरह समझना पड़ेगा चीज को, योग चित्त वृत्ति निरोध लक्षण, यानी जो योग और समाधि समो पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए योग का डेफिनेशन व्याकरण में क्या दिया,
यूज समाधो, यूज धातु से युग शब्द बना, यूज शब्द का अर्थ क्या है समाधि। इस डेफिनेशन को लोग भूल गए। आप लोग क्या बोलते हैं जाके, जुड़ना योग है, युजीर योग है, बता देते हैं। युजीर योग भी है, जुड़ना योग है कि नहीं। वो कहाँ है भाई, वो दर्शन के लिए बताया नहीं गया, वो गणित के लिए बताया गया है। तो इसको तो चला दिए, फिर लोग पूछेंगे भाई कैसे जुड़ेंगे ना, अपने शरीर को मन के साथ जोड़ो, मन के बुद्धि के साथ जोड़ो, अपने आप को आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ो, यही तो बताते हैं। अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ो, जो है योर सेल्फ विथ योर गॉड। अरे आप अलग हो, जोड़ोगे अलग है, जो है तब तो जुड़ोगे। अभी दुख क्यों हो रहा है, अपने ऑटो ज्ञानता के कारण, अपना स्वरूप को नहीं जानने के कारण, शरीर में आत्मबुद्धि होने के कारण हम संकुचित हो गए। संकुचित हो जाने के कारण स्वभाव तो अनंत है, प्रसारित करने का चेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए कामना पैदा कर रहे हैं। घर बन जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, बेटा हो जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, बेटा अगर डॉक्टर बन जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। बेटे को भी डाल दिया। जिसने डॉक्टर बन गया वो क्यों पूर्ण नहीं होता भाई, पैसे कमाने के बाद होगा। वो तो सोच रहा है नहीं भाई मैं तो मेडिकल ये का सर डायरेक्टर तक नहीं पहुंच पाया। ये सब पूर्णता के लिए दौड़ है, जबकि आप हो पूर्ण, अपूर्ण होते तो पूर्णता का दौड़ बनता है। जो पूर्ण है उसके लिए पूर्णता का दौड़ कहाँ बनता है। तो ये जो ये बात हम कह रहे हैं इसमें सांसारिक क्रियाकलाप का बात नहीं हो रहा है, अपने अंदर के स्वरूप का बात हो रहा है। बात है यही, इतना ही इसी बात है। जान गए तो अपूर्णता नहीं है, अपूर्णता नहीं है तो चाहत नहीं है, चाहत नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो कर्मफल नहीं है, कर्मफल नहीं है तो सुख दुख नहीं है। अत्यंत जब नींद में सो जाते हैं सुख क्यों प्राप्त होता है गभीर निद्रा में, क्योंकि कोई चाहत नहीं था।